उत्तर प्रदेश के अमेठी में बिजली विभाग की कार्यशैली से तंग आकर मंगलवार को सफाई व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। सपा प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी हुई और आखिर में मांगों को लेकर एसडीएम मुसाफर खाना को ज्ञापन सौंपा। अमेठी जिले के मुसाफर खाना तहसील पहुंचे सपा प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव राकेश तिवारी ने विद्युत विभाग की अनियमितता को लेकर मुसाफर खाना एसडीएम सुनील कुमार त्रिवेदी को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यहां बिजली विभाग के अधिकारी 1 किलो वॉट के कनेक्शन को स्वतः 2 किलो वॉट बनाकर जबरिया वसूली करना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने बिजली कनेक्शन घरेलू लिया है और लेकिन विभाग के द्वारा कमर्शियल करके परेशान किया जा रहा है। यही नहीं, राकेश तिवारी ने बताया कि कोविड के चलते गरीब वर्ग के लोग अपना बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं और ऐसे में अब लोगों पर विभाग के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। कनेक्शन काट कर पीड़ित को आरसी जारी करते हुए जेल में डाल दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव ने जिला प्रशासक से मांग की है कि कोविड के चलते जिन लोगों का बिजली के बिल का भुगतान नहीं हो सका है, ऐसे लोगों को राहत देते हुए किश्तवार बिलों का भुगतान कराया जाए। साथ ही साथ आरसी और जेल भेजने की जो भी कार्रवाई की जा रही है उसे बंद किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने काटे गए कनेक्शन जोड़ने की भी मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 15 दिनों में इन मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो वो इसके लिए आंदोलन करेंगे। किस तरह का ज्ञापन दिया है आपने? ये नगर पंचायत में विद्युत विभाग की तमाम सारी समस्याओं के उपलक्ष में विज्ञापन दिया गया है। हमारे नगर के व्यापारी, गरीब जनमानस, सब लोग इस बिजली की समस्या से त्रस्त हैं और इस ज्ञापन के जरिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया है। 4 बिंदुओं पे हमने ज्ञापन द्वारा मांग किया है कि बिजली की तमाम सारी जो समस्याएं हैं, बिल बढ़ के आ रहा है, कनेक्शन काट दिया जा रहा है, लोगों की आरसी काट करके जेल भेज दिया जा रहा है, ऐसे बिंदुओं पे अगर 15 दिन के अंदर प्रशासन इस पे विचार करके इस पे जो है कार्रवाई नहीं करेगा तो 15 दिन के बाद हम लोग इसी तहसील में इस सरकार और इस प्रशासन के खिलाफ बैठ जाएंगे धरने पे। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं, क्योंकि नगर पंचायत हमारा एक परिवार है, हमारी एक प्रतिष्ठा है। अगर नगर पंचायत का कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित किया जाएगा तो प्रशासन के खिलाफ उस लड़ाई लड़ जाएगी। जैसे अभी आपने कहा कि 15 दिन के अंदर अगर मांगे नहीं पूरी हुई तब आप क्या करेंगे? 15 दिन के अंदर मांगे नहीं पूरी हुई तो हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे।